सत श्री अकाल, मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसीं देख रहे हो अमृत प्रसार। अमृत प्रकार के दर्शकों नूं बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करांगे कि गुरद्वारा मनीकरण साहब जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट विच है, तो हड़ कारण उसका ब्रिज टुट गया तो काफ़ी नुकसान होया। उस बारे दसांगे कि वह पार्वती वैली विच स्थित है, उत्थे कुछ संगतां जो हैं वो रह रही हैं, फसिया हुई हैं, पर सब सुरक्षित हैं। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि पार्वती नदी एक बड़ी पवित्र नदी मनी जाती है और इस विच बहुत ज़्यादा हड़ आ गया, जिस करके ये गुरुद्वारे नूं जाण वाला रस्ता यानी कि उहदा ब्रिज जिहड़ा वो टुट गया। उहदे टुटण करके जो उत्थे संगतां नूं औखियां पैदा होईयां और गुरुद्वारे च पानी एंटर कर गया, तो उस दी वीडियो असी तुहानूं दिखा रहे हां। तुसीं इस वीडियो राहीं खुद जायजा ला सकदे हो कि कुदरत दी करोपी ने की कीता। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਲੂ ਵੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ। ਨੀਚਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਪਾ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 3-4 ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਰੁੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸੋਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਲਈ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
तो कुछ ना कुछ वो कल हो सकता है मौसम साफ रहा तो कुछ मशीन नाल रस्ता बना दिता जाएगा। काफ़ी सारी संगत जो इतने मणिकरण गुरुद्वारा साहब आई हुई है उन्होंने चूंकि फोन नहीं चल रहे नैटवर्क नहीं है वो चिंता कर रहे हैं सारे। तो इस बोलन का मतलब यही सी दसन का कि वो सारे तो सुरक्षित ने सारों भी बड़े सारे फोन जो लोग कोशिश कर रहे हैं कॉन्टैक्ट करने की लेकिन इतने नैटवर्क ना होने करके असी उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस करके असी फेसबुक और अपना व्हाट्सएप के राही सारे सूचित करते हैं कि सारे गुरुद्वारा साहब मनी करने सुरक्षित ने जिन्हें यात्री ने जितने भी साढ़े इतने परिवार के बंदे ने सेवादार समेत सब बिल्कुल सुरक्षित रहे पूजा पाठ लंगर इत्यादि सारा बिल्कुल उस तरह प्रबंध चल रहा कोई चिंता ना करना। जेडे नीचे मंजिल से रहने वाले सारे सेवादार सब उपले मंजिल आ गए हैं देवा जी भी गुरुद्वारे साहब के नाम कर गए तो कोई ऐसी चिंता वाली गल नहीं परमेश्वर सारा रक्षक सारे नाल है हर तरह की सुरक्षित व्यवस्था इतने है। पानी पीने वाले बंद हो गए गर्म पानी जिसे पानी बुलता निकलता है गुरु नानक साहब का चश्मा प्रगट किया हो उत्थे भी नदी का पानी आ गया से उन्होंने साफ करके हम कल तो उन्होंने पीने योग्य कर देंगे उसे लंगर बनेगा क्योंकि लंगर बनने भी जगह नहीं रही। तो महाराज की कृपा है सब सुरक्षित है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की इतने मैं थोड़ा जहा तू इस गुरुद्वारे की हिस्टरी तो इतिहास भी दिखाना चाहना कि यह जड़ा गुरद्वारा है ये कुल्लू तो तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो एल्टीट्यूड है वह 1760 फुट है यानी समुद्र तो ऊंचाई की गल की जा रही है। इतने एक गर्म पानी का खूह कह लो चश्मा कह लो निकलता है जिस विच के संगतां वो अपने कई बारी पोटली बन के चावल पा देंदे ते वो गल जांदे ने। इसी तरह गुरुद्वारे वाले भी जिहड़ी लंगर सेवा वाले वो अपने बड़े बड़े पतीलियां विच चावल दालां पा के ते उस गर्म पानी नाल पकांदे हन। तो ये हार्ट वाटर जो है ये भी संगतां दा दर्शकां दा ते सैलानियां दा बड़ा खिच का कारण है जिस करके उत्थे बड़िया संगतां दर्शनां लई जांदियां हन। इस गुरुद्वारे का बड़ा इतिहासक संबंध गुरु नानक देव जी नाल मन्या जांदा है। इस दी इतिहास यह है कि 1574 बिक्रमी विच गुरु नानक देव जी ते भाई बरदाना जी इस एरिए आए सीगे पार्वती नदी के कंडे उन्होंने इत्थे भुख लगी सी उन्होंने इत्थे मरदाने ने उन्होंने लंगर बनाया जेड़ियां उस इलाके दियां संगतां सी उन्होंने लंगर लई रसद दित्ती। और इत्थे इस तुहानूं ये भी दसना चाहते हैं कि इस गुरद्वारे दियां कुछ असी पुराने चित्र तुहानूं दिखावांगे कि लंगर की सेवा गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कित्थे होया होया क्योंकि हुण जो तबाही कारण गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उपरले फलोरां ते लै गए हैं तो गुरुद्वारे का जिहड़ा गुरमर्यादा पूरी चल रही है लंगर भी उपरले उत्थे बन रहे हैं। तो ये कुछ पुरानियां फोटोआं जिहड़ियां सी तुहाडे लई लभ के लिआए हैं ता जे संगतां जो हैं वो इस गुरुद्वारे दे दर्शन करन पुरानियां फोटो राही जिहड़े दर्शक विदेशां विच बैठे हैं पर इत्थे आ नहीं सके वो भी इस दे दर्शन करन। ते ये कुछ चित्र हैं जो तुसी देख सकते हो लंगर दा गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होया पुराना गुरुद्वारे दा पुरानी बिल्डिंग अते होर कई किस्म दे चित्र इस विच असी तुहाडे लई लभ के पेश कीते हैं। उम्मीद है ये तुहानू साडी वीडियो पसंद आएगी अते इस नूं तुसी अपने साख अते संबंधियां नाल सांझी करोगे। मेरी आप जी नूं गुराशर है कि जेकर तुसी इस चैनल नूं अमृत प्रसार नूं हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तां इस नूं जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।